नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। चुन्नाबड़ कोठी की नई कॉलोनी वासी मर्द पशुओं की बदबू से बेहद परेशान, प्रशासन मौन। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। चुन्नाबड़ कोठी की नई कॉलोनी में 10 LL माइनर के निकट बाबा रामदेव मंदिर के पास मर्द पशुओं को डालने से आसपास के घरों के लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। मर्द पशुओं को आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। मर्द पशु संडास मारते हुए बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। कॉलोनी वासी अरनेश कुमार उर्फ अन्नू, राजू मंजू देवी, किशन राम, सेरा राम का कहना है कि इस नई कॉलोनी में पिछले कुछ सालों से 20-25 घर नाथ वे पशु पालक है, जो प्रत्येक घर में 200-250 के करीबन पशु गायों का रेवड़ है। इन्होंने अपनी क्षमता से अधिक पशु पाल रखे हैं। इनके पास कृषि आबादी में बिल्कुल भी छोटे छोटे प्लाट है। इनके पशु आम गलियों में मंडराते रहते हैं और लोगों के घरों के आगे गलियों में ही बैठे रहते हैं। इन्हें मना करने पर झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। गलियों में घरों के आगे दिन रात पशु मंडराते रहते हैं, घरों के आगे गोबर करते हैं और गंदगी फैलाते हैं। मामूली बरसात होने पर लबालब कीचड़ फैलने से लोगों को बहुत परेशानी होती है, जिससे घरों के लोगों का बाहर निकलना दूभर हो रहा है। जब कभी इनके पशु मर जाते हैं तो ये लोग रात्रि के समय हड्डा रोड़ी में न डालकर घरों के पास में ही डाल देते हैं। इस समस्या के प्रति परेशान लोगों ने प्रशासन से कई बार इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन लोगों ने ग्राम पंचायत के सरपंच को भी समस्या के प्रति अवगत करवाया, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उन्हें कोई राहत नहीं दिलाई गई। इस संबंध में कॉलोनी वासी नरेश कुमार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर शिकायत भी दर्ज करवाई है। इस समस्या के संबंध में ग्रामीणों का शिष्टमंडल मंगलवार को जिला कलेक्टर को मिलकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। अगर इनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो इन लोगों को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जबकि ग्राम पंचायत इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। मोहल्लेवासी आखिर न्याय किससे मांगे, ये जिला कलेक्टर ही बताएंगे या अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, महेंद्र परवाना, अनूपगढ़। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर लवेश कुमार है। कहाँ रहते हो? सतीश जी कॉलोनी। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है सर? हमारे घर के पीछे बैक साइड में कोई आवारा पशु घेर के जाता है, मरे हुए पशु। अच्छा अच्छा। वहाँ कोई 30-40 घर नाथों, मुसलमानों के नाथों के हैं, जिनके करीब करीब 150-200 पशु हैं। अच्छा। अब ये पता नहीं सर कौन कौन हमारे घर के पीछे पशु घेर के जाता है। आज कोई 5-6 दिन पहले हमारे घर के पीछे बच्चा घेर गया था, उसको उठा के हम लोगों ने, हमारे लड़के ने मिलके, हमने अपनी गाड़ी पे रखे उसको हड्डा रूढ़ी में गिरवा दिया। अच्छा। कल और आज में दो बच्चे आज फिर कोई घेर के गया, जो आधे आधे कुत्तों ने खा लिए, बाकायदा हमारे पास वो अभी तक पड़े आधे कुत्ते खा रहे हैं, मुश्क मार रहे, बदबू आती है। तो इस संबंध में आपने? मैंने सर पहले दो करीब करीब 5-6 महीने पहले सरपंच से शिकायत की थी, सरपंच ने हमारी कोई सुनवाई की नहीं। तो हम सर, हमारा इतना कोई पहुंच है नहीं, हम तो ग्राम पंचायत बाहर के आदमी यहाँ रह रहे हैं और हमारी कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं यहाँ। मेरा तो पहुँच सरपंच तक है, सरपंच हम तुम्हारी सुनता है, जिला प्रशासन को नहीं कहा कि हमारी अभी आगे हमें पता नहीं है सर आगे। अच्छा।